और मध्य प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य के दावे किए जाते हैं, लेकिन एक तस्वीर काफी है किसी भी दावे की पोल खोलने के लिए। और ये तस्वीर आई है डिंडौरी से, और ना कि ये सिर्फ तस्वीर सिर्फ स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े करती है, बल्कि इंसानियत के मुंह पर भी काली पोत रही है। क्या ये तस्वीर है और क्या ये पूरा मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ पति की मौत का दर्द, दूसरी तरफ पेट में पलता बच्चा, इसके बावजूद किसी को कैसे तरस नहीं आया। डिंडौरी के गाड़ासराई से स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा सामने आया है। स्वास्थ्य केंद्र में पति की मौत के बाद गर्भवती पत्नी से खून से सना बेड साफ करवाया गया। महिला हमले में घायल अपने पति का इलाज कराने अस्पताल पहुंची थी। इस संबंध में वहां का जो स्टाफ है, अस्पताल प्रबंधन है, उसमें मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, स्क्वाड बॉय आया हुआ है, उसमें उनके परिजनों द्वारा बेड की सफाई करते हुए जो दिख रहा है, संबंध में मैंने सभी को नोटिस जारी किया है। वही वीडियो सामने आने के बाद सीएमएचओ ने नाराजगी जताई, अस्पताल स्टाफ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। कितने भी नोटिस जारी कर दिए जाए, लेकिन सवाल तो उठेंगे, ये कैसा स्वास्थ्य केंद्र है, ये कैसी इंसानियत है। इंसानियत और इंसानों के बीच मजहब, जाति और रिश्तों नातों से भी ऊपर मानी जाती है, लेकिन डिंडौरी में न इंसानियत दिखी और न ही एक प्रेग्नेंट पत्नी का किसी को दर्द। लेकिन सियासत की आंखें हर मुद्दे पर नजर रखती है, और इस वीडियो के सामने आते ही कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी युद्ध छिड़ गया है। क्या ये पूरा मामला है और क्या इस पर बयानबाजियां हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। मानवता को शर्मसार करने वाले इस वीडियो के वायरल होते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा डिंडौरी ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। ये घटनाएं बता रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग किस कदर निकम्मा हो गया है। वही बीजेपी इसे डर्टी पॉलिटिक्स बता रही है। डिंडौरी की घटना क्या आपको संकेत देती है, संदेश देती है? ये देती है कि डिंडौरी की घटना इस प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई, ये सरकार एक तरह से स्वास्थ्य विभाग निकम्मा है। ये बेहद गंभीर मामला है, इसको सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। इसको लेके जो भी होगी जांच होगी, और जो भी इसमें दोषी है, जिसकी लापरवाही सामने आएगी, उस पर कार्रवाई होगी। वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने एक्स पर पोस्ट कर मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी दी। संबंधित डॉक्टर और नर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। दोषियों के निष्कासन की तैयारी कर ली गई है।